हेलो फ्रेंड्स, मैं परवीन चौधरी विवेकानंद डिफेंस एकेडमी सीकर के इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। आप लोगों ने पीछे के वीडियोस देखे होंगे तो आप लोगों को पता ही होगा कि अपन लोगों ने रेशियो का टॉपिक स्टार्ट कर रखा है और रेशियो के टॉपिक के दो तीन पार्ट अपने पहले आ चुके हैं जिनमें अपन लोगों ने बेसिक बेसिक से बातें सीखी थी। लास्ट वीडियो में अपन लोग थर्ड पार्ट में अपन लोग डिस्कस कर रहे थे कि जब अपने पास में योग के रूप में कोई भी रेशियो आए और उन रेशियो से अपन लोगों को अलग अलग रेशियो बनाने हो तो अपन लोग किस तरीके से बनाएंगे या फिर अलग अलग आ जाएं और उनको वापस से अपने को योग के रूप में दिखाना हो तो अपन लोग किस तरीके से दिखाएंगे। उसी कंटिन्यूटी में अपन लोग एक आगे का एग्जाम्पल और लेते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं अपन लोग उसी फॉर्मेट का। लास्ट वीडियो में जो लास्ट एग्जाम्पल था उसी फॉर्मेट का अपन लोग एक और एग्जाम्पल लेकर के ऐड होते हैं। इस बार अपने पास में एक एग्जांपल है कि a प्लस में b अनुपात, b प्लस में c अनुपात, c प्लस में a बराबर अपने पास में गिवन है 6:7:8 एंड आप लोगों को यहां से बताना है कि a रेशियो 2, b रेशियो 2, c कितना होगा अपने पास। आप लोगों को पीछे वाले वीडियो में मैंने बताया था बिल्कुल इनको बेसिक से x मान करके जोड़ करके सारी बातें पीछे वाले वीडियो के लास्ट क्वेश्चन में अपन लोगों ने डिस्कस करी थी, वो आप लोग देखें। जो भी नए स्टूडेंट कनेक्ट हो रहे हैं वो पीछे वाले वीडियोस को जरूर देखें, जो नए स्टूडेंट नहीं है पहले से वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं वो भी उनको बार बार देखें अच्छे तरीके से समझने के लिए। चलिए तो अब अपन लोग इसको करते हैं। इसको यहाँ से करने के लिए अपने को कुछ नहीं करना है, एग्जाम में आप लोगों को सिंपली यहाँ से इन तीनों को ऐड कर लेना है। इन तीनों को आप लोग ऐड करते हो तो आप लोग करोगे ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस में सी और बराबर आप लोग रेशियो ऐड कर दीजिए। तो आप लोग यहाँ से देखोगे 8 और 7 होते हैं 15, 15 और 6 आप लोगों के पास में होते हैं 21। अब आप लोगों को कुछ नहीं करना, यहाँ से a प्लस में b प्लस में c बराबर लिख लेना है 21/2। ये तो गुणा में था, a प्लस b प्लस c हम लोग देखेंगे 21/2 ही आएगा। अब कोई भी इसको यहाँ से भाग लगा के ना लिखे, छोटा करके ना लिखे, इसको ऐसा का ऐसा ही आप लोग पढ़ा रहने दें। अब अपन लोग बात करेंगे यहाँ से a अनुपात b अनुपात c के बारे में। सबसे पहले अपन लोग देखेंगे यहाँ से a की वैल्यू, ये अपने पास में है a प्लस बी प्लस सी बराबर अपने पास में है 21/2 और यहां से अपन लोगों ने देखा कि a कैसे निकल सकता है, a अपने पास में निकल सकता है यदि अपन लोग इस b प्लस सी को यहां से माइनस कर दें। भाई इस टोटल तीनों में से अपन लोग b और c को हटा देंगे तो अपने पास में a की वैल्यू मिल जाएगी अपने को। यहां से अपन लोग देखेंगे b और c किसको दिखा रहे हैं, b 7 को दिखा रहे हैं। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना, सिंपली यहां से a की वैल्यू लिखने के लिए लिख लेना है 21/2 माइनस में 7। भाई आप लोगों को b और c की वैल्यू हटा देनी है तो किसकी वैल्यू मिलेगी, a की वैल्यू मिलेगी। टोटल में से b और c की वैल्यू हटाएंगे आप लोगों को a की वैल्यू मिलेगी। अब b की वैल्यू पता करते हैं, तो b की वैल्यू पता करने के लिए आप लोगों को क्या करना है, कुछ नहीं करना, टोटल में से आप लोगों को a और c हटा देना है। a और c आप लोग देखेंगे 8, तो आप लोग टोटल में से 21/2 में से 8 हटा देंगे तो आप लोगों के पास में किसकी वैल्यू मिलेगी, b की वैल्यू मिलेगी। तो b बराबर आप लोग लिखेंगे 21/2 माइनस में 8। अब आप लोग लास्ट में वैल्यू देखेंगे c की, c की वैल्यू के लिए आप लोगों को a और b को हटाना है, a और b को आप लोगों को हटाना है तो a और b का आप लोग यहां से रेशियो देखेंगे, बोलो कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। तो आप लोगों को टोटल तीनों में से किसको हटाना है, a और b को, और a और b का रेशियो कितना, 6 है। तो आप लोग देखोगे सर टोटल तो अपने पास में था 20/2 और इसमें से अपन लोग किसको हटा देते हैं, a और b को, a और b को कितने को, 6 को। अब आप लोग यहां से देखोगे a की वैल्यू, a की वैल्यू आप लोग अब यहां से देखोगे आप लोगों के पास में a की वैल्यू मिलेगी 21 - 7 × 14। 21 माइनस में आप लोग जब 14 करोगे तो आप लोगों के पास में बचेगा 7। जब आप लोग यहां से देखोगे 21 में से आप लोग 7 × 14 आप लोग हटाओगे कितना, 14 हटाओगे तो आप लोगों के पास में होता है 14 × 6 = 20 और 21 तो आप लोगों के पास में मिलेगा 7/2। उसके बाद में आप लोग आओगे 21/2 माइनस में 8, तो आप लोग देखोगे 21 और माइनस 8 × 16, 21 में से आप लोग 16 हटाओगे तो
मिलेगा 16 4 20 21 बराबर आप लोगों के पास में मिलेगा 5/2। थर्ड में आप लोग देखोगे 21/2 में से 6 आप लोग माइनस करोगे तो यहां से देखोगे 6 2 12 हटेगा किस में से 21 में से, तो आप लोग देखोगे 12 8 20 1 21 तो आप लोगों के पास में मिलेगा 9/2। आप लोगों के पास में ए की वैल्यू आ गई 7/2, बी की वैल्यू आ गई 5/2 एंड सी की वैल्यू आप लोगों के पास में आ गई 9/2। यहां से आप लोग ए की वैल्यू लिखेंगे 7/2, बी की वैल्यू आप लोग लिखेंगे कितनी 5/2 एंड सी की वैल्यू आप लोग कितनी लिखेंगे 9/2। अब मैंने आप लोगों को बता ही रखा है यहां तक आने के बाद में आप लोगों को कुछ नहीं करना होता, सिंपली आप लोग या तो नॉमिनेटर का एलसीएम डिनोमिनेटर का एलसीएम लेकर के उससे मल्टीप्लाई करवा दें या फिर आप लोगों ने देखा कि सर डिनोमिनेटर तो सेम है सेम है तो इसको आप लोग डायरेक्टली हटा दें, 2 2 2 से 2 हट गए और यहां से आप लोगों के पास में ए रेशियो टू बी रेशियो टू सी आप लोगों के पास में मिल गया 7:5:9। अब अपन लोग एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इन योग के रूप में आने वाले इस फॉर्मेट में अपने को क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है एक अपन लोग क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन अपने पास में कुछ इस तरीके से है, क्वेश्चन अपने पास में कुछ इस तरीके से है कि अपने को दिया गया है x प्लस में y प्लस में z x रेशियो टू y रेशियो टू जो z है वो अपने को दिया गया है 2:2 3:5 और आप लोगों को बोला गया है कि x प्लस में y प्लस में z बराबर आप लोगों के पास में है 80 एंड आप लोगों को एक बात और दी हुई है कि z बराबर आप लोगों के पास में है ax माइनस में 8 z बराबर आप लोगों के पास में है ax माइनस में 8 तो आप लोगों को यहां से वैल्यू फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ a की वैल्यू आप लोगों को फाइंड करनी है। आप लोगों के पास में दिया गया था x रेशियो टू y रेशियो टू z बराबर 2:3:5 और दूसरी बात बोली गई थी कि x प्लस y प्लस z आप लोगों के पास में है 80 एंड आप लोगों को एक बात और दी हुई थी एक कंडीशन और कि यदि z बराबर ax माइनस में 8 हो तो आप लोग a की वैल्यू फाइंड कीजिए। सबसे पहले आप लोगों को कुछ नहीं करना है, आप लोगों को यहां से सिंपली देख लेना है कि सर x की वैल्यू हमारे पास में यहां से हो गई 2, y की वैल्यू हम यहां से ले लेते हैं, x की वैल्यू अपन लोगों ने बोली कि सर 2, y की वैल्यू अपन लोगों ने बोली 3 एंड z की वैल्यू अपन लोगों ने बोली 5। अपन लोग देखते हैं तीनों का योग, अपन लोग यहां से देखते हैं x प्लस में y प्लस में z बराबर अपन लोगों के पास में आएगा 2 3 और 5 को जोड़ेंगे तो 10, भाई 2 3 और 5 को जोड़ेंगे तो अपने पास में 10 आएगा, जबकि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि तीनों का जो योग है वो 10 नहीं है, तीनों का जो योग है वो कितना है 80 है। तो आप लोग यहां से कहोगे कि सर 10 बराबर 80 है तो 1 बराबर हमारे पास में हो गया 8, 1 बराबर जब हमारे पास में 8 हो गया तो यहां से अपने पास में x की वैल्यू आएगी 8 2 16 और यहां से अपने पास में y की वैल्यू आएगी 8 3 24 और ऐसे ही अपने पास में x y z की वैल्यू आएगी। बोलो भाई 1 का मान 8 तो 5 का मान कितना 8 5 40, z का मान 40, y का मान 24 और x का मान अपने पास में आ गया 16। और अपने को एक बात और दी हुई थी कि भी आप लोगों को यह पता है कि z बराबर है ax माइनस में 8 तो इस a की वैल्यू बतानी थी, z की वैल्यू आप लोग इसमें रखेंगे, z बराबर आप लोगों के पास में वैल्यू है 14,
जेड बराबर आप लोगों के पास में वैल्यू है 14, ए की वैल्यू आप लोगों को फाइंड करनी है, एक्स की वैल्यू आप लोगों के पास में आ गई है 16, एक्स की वैल्यू आप लोगों के पास में आ गई है 16 और माइनस में आप लोगों के पास में है 8। अब आप लोग यहां से देखोगे आपके पास में बना 40 बराबर 16 ए माइनस में 8, इस 8 को आप लोग इस साइड लेके आओगे तो आप लोगों के पास में आएगा 16 a = 48 एंड ए की वैल्यू यहां से आप लोगों के पास में आएगी 48/16 = ए की वैल्यू आपके पास में आएगी। बोलो भाई ए की वैल्यू कितनी मिली आप लोगों को? 3 मिली। सिंपल सा क्वेश्चन आप लोगों को दिया हुआ था कि x:y:z = आप लोगों के पास में था 2:3:5, दो आप लोगों के पास में कंडीशन सप्लाई थी कि x+y+z = आप लोगों के पास में है 80 एंड z = आप लोगों के पास में है ax - 8, तो आप लोगों को बताना था a की वैल्यू। सिंपली आप लोगों ने सबसे पहले देखा कि x y और z का रेशियो था 2, 3 और 5 और यहां से तीनों का जो अपने को टोटल दिया हुआ था 80, रेशियो से आप लोगों के पास में टोटल आया 10, अदरवाइज क्वेश्चन में टोटल था 80, तो 10 बराबर आप लोगों ने 80 करा तो 1 बराबर आप लोगों के पास में आ गया 8, 1:8 की वैल्यू 8 है तो x का मान 2:16 में कितना 16, 1:1 का मान या 1:8 का मान 8 है तो y का मान 3:3 का मान आ गया 24। ऐसे ही अपन लोगों ने देखा 1:8 की वैल्यू 8 तो 5:8 की वैल्यू कितनी 14। अभी आप लोगों ने देखना था इस वाली कंडीशन से कि z = ax - में था 8, तो आप लोगों ने z की जगह वैल्यू रखी 14, आप लोगों ने x की जगह x की वैल्यू रख दी 16 और माइनस में था 8, 40 बराबर 16 a माइनस में 8 और यहां से आप लोगों ने देखा 16 a बराबर 48, ये 8 इस साइड आया प्लस हो गया और यहां से आप लोगों के पास में a की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। ऐसे आप लोग छोटे छोटे क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। वन मोर क्वेश्चन देखते हैं अपन लोग। देखिए एक और क्वेश्चन इसी टाइप का, वापस से जो पहले मैंने एक एग्जांपल करवा रखा है उसी को यूज लेकर के उसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं और आप लोगों को बताता हूं ये सब बातें हैं। आप लोगों को मैंने एक क्वेश्चन करवाया था पीछे के वीडियो में कि आप लोगों के पास में है a प्लस में b अनुपात में, b प्लस में c अनुपात में, c प्लस में a बराबर 4:7:9 और यहां से आप लोगों को एक कंडीशन गिवन हो इफ a प्लस b प्लस c = आप लोगों के पास में हो 90 हो तो आप लोगों को वैल्यू ऑफ c फाइंड करनी है, c की आप लोगों को वैल्यू बतानी है। कुछ नहीं करना आप लोगों ने, सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ से a प्लस b प्लस c की वैल्यू फाइंड करनी है, सीधा सीधा करना है, बेसिक से x वगैरह मान के नहीं करना, टाइम ज्यादा लगता है उसमें, तो आप लोग सिंपली इस साइड वालों को ऐड करें और इस साइड वालों को ऐड करें, इनको आप लोग ऐड करोगे आप लोगों के पास में बनेगा 2a + b + c बराबर आप लोगों के पास में बनेगा 7 और 4 11 11 + 9 आप लोगों के पास में बनेगा 20 और यहां से आप लोग कहोगे सर a प्लस b प्लस c बराबर हमारे पास में बातचीत आएगी कितनी 10। अब आप लोग a प्लस b प्लस c की वैल्यू निकाल लें या फिर आप लोग इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं यहां से कि सर हमें तो सिर्फ और सिर्फ c की वैल्यू ही बतानी है तो हम a और b की सेपरेट वैल्यू क्यों निकालें, हम लोग तो सिर्फ और सिर्फ c का रेशियो ही निकालेंगे, तो सबसे पहले अपन लोग c का रेशियो निकालते हैं या फिर पहले आप लोग a रेशियो की वैल्यू निकाल लो कि सर a प्लस b प्लस c बराबर 10 है हमारे पास में रेशियो से, जबकि ओरिजिनल में अपने पास में कितना है 90 है, तो a रेशियो की वैल्यू आप लोगों के पास में आ गई 9। अब आप लोग c का रेशियो निकाल लो, c की ओरिजिनल वैल्यू मिल जाएगी आप लोगों को, तो आप लोग कहोगे कि सर हम लोगों को a रेशियो टू b रेशियो टू c चाहिए। अब अपन लोगों को a की वैल्यू पता करने के लिए a प्लस b प्लस c अपने पास में 10 है, a की वैल्यू पता करने के लिए b और c को माइनस करना पड़ेगा, b और c को आप लोग माइनस करोगे किस में से, टोटल 10 में से, b
बी और सी है कितना 7 है, 7 में से आप लोगों के पास में 10 में से 7 आप लोगों के पास में जाएगा, बचेगा आप लोगों के पास में कितना 3, तो आप लोगों के पास में वैल्यू किसकी आएगी 1 की। ऐसे ही आप लोग बी की वैल्यू निकालोगे, बी की वैल्यू आप लोगों के पास में आएगी 1, और ऐसे ही आप लोग सी की वैल्यू निकालोगे, सी की वैल्यू आप लोगों के पास में कितनी आएगी 6 आएगी। ये वाली बातचीत रेशियो से है, एक रेशियो की वैल्यू आप लोगों के पास में 9 है, तो आप लोग देखोगे कि सर 9 × 6 आप लोगों के पास में वैल्यू किसकी आ जाएगी, सी की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन लोग, एक अच्छा सा प्रश्न कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। एक अच्छा सा क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है, देखते हैं अपन लोग। अपने पास में क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से कि x क्यूब माइनस में y क्यूब अनुपात में x स्क्वायर प्लस में xy प्लस में y स्क्वायर इज इक्वल टू अपने पास में है 5:2:1। दूसरी वाली बात अपन लोगों के पास में ये है, दूसरी बात अपन लोगों के पास में है x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर रेशियो टू x माइनस में y इज इक्वल टू 7:2:1। देन आप लोगों को यहां से बताना है, देन यहां से आप लोगों को बताना है कि x रेशियो टू y बताइए, आप लोग x रेशियो टू y बताइए। यहां से x क्यूब माइनस में y क्यूब रेशियो टू x स्क्वायर प्लस में xy प्लस में y स्क्वायर इज इक्वल टू है 5:1, एंड आप लोगों के पास में x स्क्वायर माइनस में y स्क्वायर रेशियो टू x माइनस में y इज इक्वल टू 7:1। आप लोगों को बताना है x और y के बीच का रेशियो बताना है आप लोगों को। सबसे पहले आप लोग इस वाली बात से स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा कई जगह कि a क्यूब माइनस में b क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है आप लोगों के पास में, a क्यूब माइनस में b क्यूब का फॉर्मूला मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था, अनुपात को अपन लोग बटे में लिख सकते हैं। तो सबसे पहले a क्यूब माइनस में b क्यूब का फॉर्मूला, a क्यूब माइनस में b क्यूब आप लोगों के पास में होता है a माइनस b, तो x माइनस में y। उसके बाद में अपन लोग क्या लिखते हैं, यहां से अपन लोग बाद में लिखते हैं x माइनस में y, फिर अपन लोग लिखते हैं x स्क्वायर प्लस में xy और प्लस में y स्क्वायर, और अपन लोग बाद में बताते हैं बटे। ये अपने पास में अनुपात को बटे में लिख लिया, ये मैंने फॉर्मूला लगाया है a क्यूब माइनस में b क्यूब का, और बटे में अपन लोगों के पास में है x स्क्वायर प्लस में xy प्लस में y स्क्वायर, और बराबर अपन लोगों के पास में है 5:1। अनुपात को भी मैंने बटे में लिख लिया, यहां से मैंने देखा x स्क्वायर प्लस xy प्लस में y स्क्वायर से ये वाली बात कैंसिल आउट हो गई, और यहां से मेरे पास में बात आई है x माइनस में y बराबर 5। दूसरी मैं बात करता हूं इस वाली बात से, ये वाली बात मेरे पास में a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर का भी आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ रखा होगा, a प्लस b a माइनस b होता है, तो मैं यहां से इसको देखता हूं x प्लस में y एंड में देखता हूं x माइनस में y। मैंने लिखा है x स्क्वायर माइनस में y स्क्वायर को x प्लस y और x माइनस में y, अनुपात को बना रहा हूं मैं बटे, और बटे का निशान लगा कि मैं बटे में लिख देता हूं x माइनस में y, और बराबर मेरे पास में है 7:1, 7:1 को मैंने बटे बना दिया 7:1, x माइनस y से x माइनस y कैंसिल हो गया, और मेरे पास में यहां से वैल्यू आई है x प्लस में y बराबर मेरे पास में वैल्यू कितनी आ गई है 7 आ गई है। x माइनस y की वैल्यू मेरे पास में आई थी 5 एंड x प्लस में y की वैल्यू मेरे पास में आ गई है 7। मैं यहां से इनको ऐड कर देता हूं, यहां से मैं इनको जोड़ता हूं, तो मैं लिखता हूं x माइनस में y एंड x प्लस में y बराबर मेरे पास में है 5 बराबर मेरे पास में है 7। यहां से मैं इनको जोड़ता हूं तो मेरे पास में आएगा 2x इज इक्वल टू 7 और 5 मेरे पास में आएगा 12। x की वैल्यू मेरे पास में यहां से आ जाएगी 6। x की वैल्यू मेरे पास में 6 आ गई, उसको मैं यहां पे रखूंगा तो मेरे पास में y की वैल्यू आएगी 1। और यहां से मैं आप लोगों को बताऊं कि x और y का अनुपात कितना हुआ, x की वैल्यू आ गई 6 और y की वैल्यू आ गई 1, तो x अनुपात में y बराबर मेरे पास में रेशियो बना 6:1। आगे अपन लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट सेशन में, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।